इस कर्म फल व्यवस्था को समझना बड़ा कठिन है। कौन से कर्म का फल कब कहाँ किस जन्म में मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। कर्मों की जो गति है वो बड़ी विचित्र है, पर विद्वान लोगों ने कहा कि उसका फल तो निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है, वो माफ कभी नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों को आप उठा करके देखिएगा कि उसका परिणाम जो है इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। वेद में प्रमाण मिलते हैं कर्म फल व्यवस्था के, और इतिहास के अंदर उसके परिणाम मिलते हैं। मुझे याद आती है घटना, श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि पापों से मुक्ति मिल जाती है, गुरुजी पाप क्षमा करवा देते हैं, जरा इतिहास की घटना को उठा करके पढ़ना। राम के भक्तों महर्षि वाल्मीकि की रामायण को उठा करके जाकर के पढ़ लेना। श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए हैं, और इधर महाराज दशरथ की जो स्थिति है वो बड़ी विदीर्ण है, क्योंकि उनकी आंख का तारा उनका आराम राम वन को चला गया है। रात्रि में एक सपना आया, एक बुरा कर्म कभी किया होगा वो स्मरण आया। पास में कौशल्या बैठी थी और कौशल्या से कहा, कौशल्ये व्यक्ति का कर्म ही उसको सुख देता है, व्यक्ति का कर्म ही उसको दुख देता है। तब अपनी आप बीती एक घटना सुनाते हुए कौशल्या से कहा, कौशल्ये तुम्हारे साथ में मेरा पानी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ था। मैं युवा अवस्था में प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में बैठकर के मैंने शब्द वेदी कला को सुना था, शब्द को सुनकर के निशाना लगाना इस कला को सीखा था, और उसका अभ्यास करने के लिए मैं सरयू नदी के किनारे चला गया कि रात्रि में कोई हिंसक जानवर पानी पीने के लिए आएगा, वो ध्वनि करेगा, कुछ आवाज करेगा, बस उसी की आवाज को सुन करके मैं अपना चमचमाता नकुला पैनावान उसके ऊपर छोड़ दूंगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, अंधकार उस वातावरण में महाराज दशरथ धनुष पर वाण साध करके तैयार हो गए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई ध्वनि सुनने को मिले। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि कोई जानवर पानी पीने के लिए नहीं आया। हाँ, संयोग से एक पितृ भक्त बालक अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए उस सरयू नदी के किनारे पर आया, और जैसे ही उसने घड़ा नदी में डुबोया, एक ध्वनि हुई। महाराज दशरथ तो प्रतीक्षा कर रहे थे, बस उसी ध्वनि को सुन करके महाराज दशरथ ने अपना वाण छोड़ दिया और वो वाण सीधा जाकर के उस बालक की छाती में घुस गया। एक वेदना भरी आवाज निकली, हाय मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जब ये बात सुनी महाराज दशरथ के रोंगटे खड़े हो गए, दौड़े दौड़े उसके पास में गए और क्षमा याचना करने लगे कि मुझे बालक क्षमा कर दो, मुझसे अनजाने में ये पाप हो गया है। तब उस समय पर उस बालक ने कहा था कि राजन मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता मेरे माता पिता तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजन मैं वो प्यासे थे, मैं उनको पानी पिलाने के लिए आया था, अब पानी ना पिला सकूंगा, मेरा एक काम कर दो, उन्हें पानी पिला देना, मेरे दुख में दुखी होंगे उनको दिलासा दिला देना, अगर हो सके एक बार उनको मुझसे लाकर मिला देना, उनको पानी पिला देना, और पानी पिलाने से पहले अपनी वाणी को मत हिला देना, अपनी वाणी को मत हिला देना। और ये कहते कहते उस बालक का प्राणांत हो गया था। महाराज दशरथ का हृदय कांप रहा है, पैर आगे पड़ने का नाम नहीं लेते हैं, साहस करके वहां पर पहुंचते हैं, पानी लेकर के।
और जैसे ही कलश उनके वो घड़ा उनके हाथ में सौंपा, दो हाथों का जब स्पर्श हुआ तो पहचान लिया गया कि तुम कौन हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। हमारा श्रवण तो हमसे बातें करता था, वेद शास्त्रों की बातें करता था, तुम बोलने का नाम नहीं ले रहे हो, तुम बोलो तो सही कौन हो। तब उस समय पर महाराज दशरथ ने एक बात कही थी कि मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूं और जिस पुत्र की तुम चर्चा कर रहे हो वो संसार छोड़कर के चल बसा है, वो पुत्र इस दुनिया में नहीं है, अनजाने में मेरे से तीर छूट गया, तीर लग गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब हाथ से वो घड़ा छूट गया था और एक बात निकली थी उनके हृदय से कि मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले न सुख पाएगा, दुख हमें देने वाले मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले मेरे पुत्र के प्राणों को मनन करने वाले।